हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, आने वाले 7 दिनों में क्या कुछ होने वाला है और क्या गाइडेंस होगी आपके लिए। तो यहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं, फर्स्ट कैट एंड सेकंड रैबिट। आप इनमें से एक चुन लीजिए। फर्स्ट जिन्होंने कैट को चुना है उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। फर्स्ट हम ले रहे हैं टैरो डेक से कार्ड्स, बाकी कार्ड्स हम बाद में लेंगे। 4 कार्ड्स हम टैरो डेक से ले रहे हैं। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे जिन्होंने कैट को चुना है उनके लिए। स्प्रिट गाइड्स प्लीज, गाइड अस। ओके, एनर्जी भी हम देखेंगे। फर्स्ट ये टैरो डेक से कार्ड हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जी ओरेकल से भी लेंगे। आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप काफ़ी कंपटीशन फेस कर रहे हैं अपने एरियाज़ में, जहाँ भी आपका काम है, चाहे आप जॉब करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, या पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी परेशानियों से अभी गुजरे हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन आपने फेस किया है। लोगों के बीच में आप अपने सर्वाइवर के लिए काफ़ी लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या कहें कि अपना वजूद बनाने के लिए आप काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, पर ये जो आपकी कोशिशें हैं वो कामयाब कोशिशें होंगी। और वहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी हैं, आप में से काफ़ी लोग काफ़ी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, काफ़ी बर्डन्स हैं आपके ऊपर और ऐसा लग रहा है आप वर्कलोड काफ़ी ले रहे हैं पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, और आपको काफ़ी जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लग रहा है। पर ये जो है आपकी एनर्जी काफ़ी जा रही है, 8 ऑफ वांड्स, आप काफ़ी फास्टली काम कर रहे हैं, चीज़ों को निपटाना चाहते हैं, इश्यूज़ को काफ़ी आसानी से और पूरी हिम्मत के साथ निपटाने के लिए इन 7 डेज में आप तैयार दिख रहे हैं। और इवन आपके ऊपर काफ़ी काम है, काफ़ी लोगों का कॉम्पिटिशन भी आपको फेस करना पड़ रहा है, पर आप पीछे नहीं हट रहे और काफ़ी हिम्मत से डटे हुए हैं और अपने काम में कामयाब होने के लिए आप अपनी हिम्मत और डिटर्मिनेशन से उस चीज़ को कर भी लेंगे, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है जैसा द स्टार। तो आप रहेंगे स्टार की तरह शाइनी और कुछ अच्छी विशेज आपकी पूरी हो सकती है, और ये विश कम ट्रू कार्ड भी कह सकते हैं इसे। तो कुछ चीज़ें आपके लिए डेस्टाइन हैं और आपकी डेस्टिनी में यह है कि आप आने वाले 7 डेज में आप काफ़ी शाइन करेंगे, स्टार की तरह स्पॉटलाइट में रहेंगे। और ये भी है कि आपके अगर क्रिएटिव वर्क से आप अगर जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का क्रिएटिव अगर आपका काम है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग या आर्किटेक्चर आप हैं, कोई भी ऐसा वर्क करते हैं, चाहे यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, तो उनमें आपको बहुत नए और अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं और वो आपको काफ़ी नेम और फेम देंगे और काफ़ी शाइन करेंगे आप, और काफ़ी लोगों के बीच में आप अट्रैक्शन का कह सकते हैं या लोगों के बीच में काफ़ी सराहे जाएंगे और आपके काम को भी काफ़ी वरीयता दी जाएगी। और स्पेशली इन 7 डेज में आपके लिए ऐसी ही एनर्जीज आ रही है। और एक्वेरियस जो है, यानी कुंभ राशि के जो लोग हैं, वो किसी तरह से इन 7 डेज में आपके लिए काफ़ी उनसे इंटरेक्शन रहेगा या वो काफ़ी मायने रखेंगे आपकी लाइफ में। और वहीं हम ले रहे हैं एनर्जीज, एनर्जी ओरेकल डेक से। डॉटर वैल्यू, फर्स्ट चक्र, 1 मोर कार्ड। ओके, जानी जैसा आपके लिए आया है डॉटर वैल्यू, काफ़ी पैसे से जुड़ी अगर समस्याएं आपके जीवन में थी तो इन आने वाले 7 दिनों में वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपको काफ़ी पैसा आप अर्न कर पाएंगे, चाहे आपका को आप चाहे किसी भी काम को करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काफ़ी पैसा आते हुए दिख रहा है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। और आपके लिए फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आए हैं जो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और 3-5 नंबर है जिसे ऐड करते हैं तो 8 नंबर बनता है जो जस्टिस का नंबर माना जाता है। काफ़ी चीज़ों में आप सिक्योरिटी हासिल करेंगे आने वाले 7 दिनों में और काफ़ी आपको डिवाइनली भी गाइडेड फील होगा। और नेक्स्ट कार्ड आया है जर्नी का, आप कहीं यात्रा करके जा सकते हैं या आपकी जर्नी हो सकती है, ये जर्नी जो है वो आपकी किसी पर्पस ओरिएंटेड अगर जर्नी है, कहीं किसी बड़े काम के लिए आप अगर कहीं जाते हैं तो वो काम भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है। और वहीं हम देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स ले लेते हैं यूनिकॉर्न्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। ओके, 1 मोर कार्ड। आपके लिए कार्ड आया है मूविंग का, चेंज इज हैपनिंग,
सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। जी आप कहीं जाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन समय होगा और आप वो कर पाएंगे। जो भी काम आप लेकर कहीं जाना चाह रहे हैं, जैसे जाने का कार्ड है, मूविंग का कार्ड है, तो वो आपका काम सक्सेसफुल होगा। कहीं अदर सिटी में जाते हैं, कंट्री में जाते हैं, स्टेट में जाने का आप सोच रहे हैं, किसी भी पर्पस ओरिएंटेड आपकी कोई जर्नी है, यानी किसी उद्देश्य को लेकर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी आपके सफल होंगे उद्देश्य। और वहीं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है विशेस का, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। जी आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। स्टार कार्ड में भी हमें दिखा, यहाँ विशेस भी आपके लिए लेके आए हैं यूनिकॉर्न्स, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज लेके आए हैं आपके लिए। तो आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है, जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी पूरी हो सकती है, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आपके लिए पूरा होता हुआ दिख रहा है इन नेक्स्ट 7 डेज में। वहीं हम देख फेरीज आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्प्रिंग का, प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विथ एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए जॉब वेल डन। जी आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उस काम को बहुत इंजॉय करेंगे, चाहे आप स्टडीज करते हैं, जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और अगर घर में भी आपका देखें तो आप जो भी कोई वर्क कैसा भी ले रहे हैं वो आप पूरी तरह से कर पाएंगे और उसमें काफ़ी आपके रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल आप ही के अकॉर्डिंग होंगे, और बस आपको थोड़ा सा प्लान करना होगा ताकि आप और भी अच्छे से ये सब कर पाएं और आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। वहीं आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ समर, ट्रस्ट दैट देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन और वरीज यू। जी आपकी कुछ आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर भ्रम या चिंताएं हैं या डर हैं, उनको आप निकाल दें। बस आप अपने लिए ये सोचें कि जो भी कुछ हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, और इसी बात पे भरोसा रखें। और भ्रम और चिंताओं से दूर रहने के लिए फेरीज आपको कह रहे हैं। और एक कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा और आया है इसके साथ ही, तो वो भी मैं पढ़ देती हूँ। Children's or childhood, the return of people or romance from your past, remembering event differently in a better or worse light than how they really occurred. जी आपके लिए है कि कोई आपके पुराने मित्र मिल सकते हैं, आपके आपके जो एक्स हैं वो कुछ लोगों के लिए एक्स भी बैक हो सकते हैं, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपने किसी के साथ बचपन गुजारा है, कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो भी आपसे इन नेक्स्ट 7 डेज में कनेक्ट हो सकते हैं। ये इसके साथ आ गया था कार्ड, तो मैंने इसको भी रहने दिया है। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस थी नेक्स्ट 7 डेज के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट फाइल रैबिट, उनके लिए रीडिंग होगी और देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या गाइडेंस है टैरो डेक से, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए। फॉर ऑफ वांड्स, वाओ, टू ऑफ सॉर्ड्स, Princess of Pentacles, ओके, ये 4 कार्ड्स आ गए हैं, बाकी कार्ड्स हम बाद में लेंगे ओरेकल डेक से। तो इस इन 7 दिनों में आप लोगों की शादी सगाई फिक्स हो सकती है, या फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप जाएंगे जिनसे आगे आपकी शादी हो। तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं उनके लिए, या मैरिड कपल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे मोमेंट्स आएंगे। आप लोग कहीं शिफ्ट होके जाएं ये भी हो सकता है। और टू ऑफ सॉर्ड्स है, कुछ लोग जो है काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है या कुछ सिचुएशन स्टक है आपकी, हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका, तो आप कुछ अभी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है आपको क्लियरिटी। पर जैसा आपके लिए भी कार्ड आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी अगर प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से रिगार्डिंग तो वो भी काफ़ी हद तक नेक्स्ट 7 डेज में सॉल्व हो जाएगी। और आप लोगों के लिए न्यू फ्रेंडशिप भी ऑफर हो रही है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि के कोई पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपको फ्रेंडशिप ऑफर हो, और इनके साथ आपको बहुत लाइट हार्टेड फील होगा, और ये भी है फ्रेंड्स आपको किसी तरह से हेल्प करेंगे इन तीनों राशियों के, और आप अपना काम काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी काम में मन लगेगा आपका, चाहे स्टडीज करते हैं, जॉब करते हैं,
करते हैं या बिजनेस करते हैं, काफ़ी डेडिकेटेड होके काम करेंगे, पूरे मन से आप काम में जुटे रहेंगे और आपको पैसा भी काफ़ी आएगा उस काम से। वहीं हम देख रहे हैं एनर्जी ओरेकल डेक से, एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए। द सन ऑल टाइड अप, वन मोर कार्ड, ओके वॉकिंग अवे। जी आपने अभी किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है, ऐसा लग रहा है काफी लोगों का ब्रेकअप वगैरह हुआ है, या फिर आपके साथ ऐसा सिचुएशन था कि आपको अब लग रहा है कि रिश्ते में कुछ नहीं रखा और इसे वॉक अवे कर जाना चाहिए। ये रिश्ते से मूव ऑन करने की एनर्जीज आई है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से अगर सोच रहे हैं तो वहीं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड भी इसी तरह का है कि काफी टाइट लग रहा है आपको, आपको लग रहा है कि आप ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि आप बढ़ नहीं पा रहे हैं या रिश्तों में रुकावट आपको महसूस हो रही है। कहीं हद तक आप शायद किसी से कमिटमेंट चाह रहे थे पर उन्होंने आपके साथ वैसा नहीं किया, या फिर किसी रिश्ते में आप काफ़ी बंधे हुए महसूस कर रहे हैं और घुटन हो रही है आपको, काफ़ी लो एनर्जीज वाली फीलिंग्स है आपको, काफ़ी डिप्रेशन और एनजाइटी जैसा भी फील हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है द सन, जो आपकी विश है वो फुलफिल होगी। अगर रिश्ते में आप स्टक हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव कोई न्यूज़ आ सकती है, हो सकता है उनकी तरफ से रिकन्सिलेशन हो या कोई नया प्रपोजल भी आपके लिए आ सकता है। और सन कार्ड हर तरह से पॉजिटिविटी बताता है और हेल्थ वेल्थ प्रोस्पैरिटी रहेगी और सन की तरह आप काफ़ी ब्राइट रहेंगे और हर तरह से आपको आशावादी तरीके से सोचने में हेल्प होगी नेक्स्ट 7 डेज में। जो सिचुएशन आपकी स्टक है अभी तक वो उससे आप काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे। वहीं हम देख रहे हैं यूनिकॉर्न्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आए हैं, गाइडेंस क्या है। टू कार्ड्स देंगे हम, ओके आपके लिए आए हैं आर्कएंजल माइकल और यूज द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। जी आप अगर सच्चाई का साथ देते हैं इन 7 डेज में तो आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे या आप काफ़ी ब्लेस रहेंगे। और सच का ही साथ दें नेक्स्ट 7 डेज में, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है और आपकी सच्चाई जो है उसका भी आपको प्रतिफल मिलेगा। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। जी यहाँ भी वही एनर्जी आई है कि आप अपने फ्यूचर पे फोकस करें। अगर आपने वॉक अवे कर भी दिया है तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और न्यू प्रपोजल भी वेट कर रहे हैं, आप अपनी हिम्मत को बनाए रखें, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। वहीं हम देख रहे हैं आपके लिए फेरिस की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लिए प्रिंस ऑफ ऑटोमन आ सकते हैं, डिपेंडेबल, प्रोटेक्टिव, चिवलेरियस, ह्यूमरस, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं और बहुत ही अच्छे पर्सन आपके लिए आ सकते हैं इस 7 डेज में। कोई नई फ्रेंडशिप ऑफर हो सकती है बट वाइस एक्शन, मिस्टीशियस अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर्स। ये आप काफ़ी दयालुपूर्ण व्यवहार भी रखेंगे, लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आएंगे, अपने अपनों के लिए काफ़ी सपोर्ट बनेंगे, आप सपोर्ट सिस्टम देंगे उनको। और एज ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, इस टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर्ड ड्रीम, अमेजिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज। कैरियर के लिए बहुत ही अच्छे 7 डेज रहने वाले हैं, जो भी आप करते हैं नया काम स्टार्ट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है और जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, चाहे स्टडीज हो, बिजनेस हो, जॉब हो, सभी कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। कैरियर के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर दी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।